बीसीसीआई हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले पूर्व भारतीय कप्तान धोनी के लिए एक फेयरवेल मैच का आयोजन करने के लिए तैयार है। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा कि बोर्ड आगामी आईपीएल के दौरान इस मामले में धोनी से बात करेगा और फिर उसी के अनुसार आगे का कार्यक्रम तय करेगा। अधिकारी ने यह भी कहा कि फिलहाल कोई अंतर्राष्ट्रीय सीरीज नहीं है, हो सकता है कि आईपीएल के बाद हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि धोनी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है और वो इस सम्मान के हकदार हैं। हम हमेशा उनके लिए एक फेयरवेल मैच चाहते थे, लेकिन धोनी एक अलग खिलाड़ी है। जब उन्होंने अपने संन्यास की घोषणा की तो किसी ने भी इसके बारे में नहीं सोचा होगा। दरअसल ये पूछे जाने पर कि धोनी ने अब तक इस बारे में कुछ भी कहा है तो अधिकारी ने कहा कि नहीं, लेकिन निश्चित रूप से हम आईपीएल के दौरान उनसे बात करेंगे और मैच या सीरीज के बारे में उनकी राय लेने के लिए ये सही जगह होगी। खैर, उनके लिए एक उचित सम्मान समारोह होगा, चाहे वो इस बात से सहमत हो या ना हो, उन्हें सम्मानित करना हमारे लिए सम्मान की बात होगी। पूर्व क्रिकेटर मदन लाल ने भी धोनी के लिए एक फेयरवेल मैच के आयोजन का समर्थन किया। मदन लाल ने यह भी कहा कि मुझे सच में खुशी होगी कि अगर बीसीसीआई धोनी के लिए मैच का आयोजन करता है। एक महान खिलाड़ी है धोनी और आप उन्हें ऐसे नहीं जाने दे सकते। उन्हें प्रशंसक उन्हें फिर से एक्शन में देखना चाहेंगे। दरअसल उन्होंने ये भी कहा कि आईपीएल यूएई में हो रहा है और हर कोई उन्हें खेलते हुए देखने के लिए अपनी स्क्रीन से चिपक जाएगा, लेकिन बोर्ड भारत में एक भी सीरीज की मेजबानी कर सकता है ताकि लोग उन्हें स्टेडियम में लाइव आकर देख सके। 39 साल के महेंद्र सिंह धोनी ने 2004 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू के बाद 350 वनडे, 90 टेस्ट और 98 T20 मुकाबले खेले। धोनी की कप्तानी में भारत ने 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था। इसके बाद 2011 में 50 ओवर वर्ल्ड कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। भारत ने साथ ही 2010 और 2016 का एशिया कप भी धोनी की ही कप्तानी में जीता था। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।